सब दीदी भाई जी को नमस्ते। मेरा नाम बबीता देवी, हम सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ और शिल्प ग्राम का भी सदस्य हूँ और शिल्प संघ में हम लोग उसमें भी सदस्य हैं और 52 दीदी हम लोग बैठ के मीटिंग किए, 30 रुपया बचत किए और बैठ के बचत करके हम लोग अपना संस्था खोलने का विचार किए और कपड़ा साड़ी सूट कागज जितना आइटम हम लोग क्वालिटी बनाते हैं सब आदमी अपना खरीद के ला दे। ये कैनवास है, ये कैनवास पे हम लोग ऐसे पहले बॉर्डर बना लेते हैं, उसके बाद फिगर स्केच करके उसके बाद फिर कलर ब्लैक से पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर कलर करते हैं। ये कागज है, इस पे सिल्क का कपड़ा है, फ्रेमिंग करा के इस पे लगाया जाता है, दीवार में चिपकाया जाता है। इसमें देखिए ये है, ये जमाल है, राम सीता का है, जमाल जो सोमवार बोलता है वही है। तो ये हम लोग अपना मिथिला का जो मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला का जो होता है हम लोग को जमाल डोरी का राधा की जितना होता है सब चीज़ हम लोग रास उस हर आइटम बना लेते हैं। अब तो पहले तो हम लोग कहीं निकलते नहीं थे, नहीं कहीं जाते थे, घर में बिचौलिया लोग आके हमको 2 पैसा में लेके जाता था। अब जब से सरकार हम लोग को मदद किया है, दिया है, तो हम लोग बाहर भी निकलते हैं, खुद डायरेक्ट एग्जीबिशन में जाते हैं, मेला लगाते हैं, घर पर भी कस्टमर आता है डायरेक्ट बेचते हैं। जो पहले 1 रुपया में नहीं बेच पाते थे, 4 रुपया 10 पैसे मिलता है, अभी हम लोग खुद 1 रुपया कमा लेते हैं, मतलब डायरेक्ट बेचते हैं तो अच्छा होता है। अब बिचौलिया भी नहीं रहा, अब बाहर भी निकलते हैं, आगे भी बढ़ गए हैं, जैसे पहले नहीं था, बच्चा लोग को पढ़ा नहीं पाते कुछ नहीं, अब हर चीज़ जो सकते हैं जो होता है हर चीज़ कर लेते हैं।